हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। हम फिर से लेके आ गए आप सभी के लिए एक न्यू रिएक्शन वीडियो। ठीक है, तो आज की रिएक्शन वीडियो वो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज है मिस्टर धोनी जी का बर्थडे। मिस्टर धोनी, एमएस धोनी मिस्टर धोनी। तो हमारे कूल कैप्टन जी का बर्थडे है। ठीक है, और शायद उनका जब उन्हें सारे प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट ले चुके हैं उसके बाद ये पहला बर्थडे है। ठीक है, आज तक वो सारे जितने बर्थडे बना रहे सब मैच के दौरान बना रहे थे, लेकिन अब फाइनली उन्हें सारे टेस्ट वन डे और टी ट्वेंटी सबसे रिटायरमेंट ले चुके हैं और ये उनका पहला बर्थडे है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। तो चलो शुरू करते हैं, उनकी एक छोटी सी लाइफ की जर्नी की वीडियो है उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो देते हैं। ठीक है, जो हमने उठाई है एक न्यूज चैनल से, जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल, तो वहां से हमने वीडियो उठाया उनके यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, जिसने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लोग जाके वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बजा देना। ये कौन सा बेल आइकन मतलब? बेल आइकन मेरा है ना, ये बेल आइकन है। बिना ऐसे वाला कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। तो चलो देरी ना करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लो लो भैया, मुझे लीड दे दो पहले। जब तुमने सुनाया था दोनों कानों में डालो ये मेरे, तभी मजा आता मुझे, ऐसा मजा नहीं आता मुझे। ठीक है ना, चलो अलग ही तो अलग ही प्राणी। वन टू थ्री एंड स्टार्ट। जब मारता है तो अच्छे अच्छों के सिट्टे कुट्टे कुंड हो जाते हैं। अरे भाई क्योंकि क्या शॉट है भाई। धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर का नाम नहीं है बल्कि एक पूरा स्टार्टिंग क्या बोल रहे ना, मैंने सुन लिया तो काफी अच्छा वो खेलता है, क्रिकेट के ट्रॉफी कलेक्टर था। खेल तो बैटिंग पर करता था पहले बात तो, जिसने हर मुश्किल खड़ी में अपने भारतीय टीम से उबारा बल्कि प्रतिद्वंदियों के दांत खट्टे करके हिंदुस्तानी क्रिकेट का डंका पूरी दुनिया में बजाया। उस शख्सियत का नाम धोनी। जब धोनी ने इस दुनिया में कदम रखा था जिसके साथ जुलाई को पैदा हुए थे, नाम का कोई शब्द नहीं है और धोनी ने उस शब्द का जिक्र कभी होने ही नहीं दिया। हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी संन्यास लेने के बाद धोनी का पहला जन्मदिन है। ऐसे में आपको कुछ रोचक किस्सों के बारे में जरूर जानना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार जिद करके सचिन तेंदुलकर का पोस्टर खरीद कर मासूम लग रहे सर, जिसके लिए उनके पिता उनसे नाराज भी हो गए थे। सबसे पसंदीदा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें टीवी पर देखने वाले धोनी ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो कभी उनके साथ न सिर्फ खेल पाएंगे बल्कि उनकी कप्तानी में सचिन इंडिया के लिए खेलेंगे। साल 2001 में धोनी की किस्मत ने अजीब सा मोड़ लिया जब खेल और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में नौकरी मिल गई। रेलवे में नौकरी करके महेंद्र सिंह धोनी को उस वक्त महज 3,000 रुपए मिला करते थे। खड़गपुर रेलवे स्टेशन उनकी तैनाती हुई, उन्होंने रेलवे की टीम में भी जगह बनाई और क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ते रहे। लेकिन 2 साल बाद धोनी ने ऐसा रिस्क लिया जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। साल 2000 जब उन्होंने इस बीच क्रिकेटर प्रकाश पोद्दार ने धोनी को खेलते हुए देखा और उनका खेल देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गए। उन्होंने धोनी की रिपोर्ट उस वक्त के सेलेक्टर्स बोर्ड के चेयरमैन किरण मोरे तक पहुंचाई। धोनी का खेल ही ऐसा था जो विश्व क्रिकेट में बिल्कुल अलग था। किरण मोरे भी धोनी को खेलता देख उनके मुरीद हो गए। धोनी के परिश्रम का फल मिलने का वक्त आ गया। तत्कालीन कप्तान सौरभ गांगुली की दूरदर्शी सोच ने धोनी का परिचय हिंदुस्तान से करवाया। महेंद्र सिंह धोनी ने जो मुकाम क्रिकेट की दुनिया में हासिल किया उसमें दादा का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। महेंद्र सिंह धोनी को पहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर ही बदल दी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर का पहला इंटरनेशनल वनडे मैच साल 2004 बांग्लादेश के खिलाफ खेला, लेकिन न जाने धोनी के बल्ले को उस वक्त क्या हो गया। धोनी कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन विशाखापट्टनम में उन्होंने 148 रनों की धमाकेदार पारी से हर किसी का दिल जीत लिया। खुद मानते हैं कि अगर उस मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो शायद उनका करियर खत्म हो जाता। महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ देश का मान बढ़ाया बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन के टीम में रहते वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी साकार कर दिखाया। वाकई धोनी के अंदाज का कोई जवाब नहीं है। धोनी का बल्ला चलता रहा और भारत का डंका बजता रहा। धोनी मतलब हेलीकॉप्टर शॉट। बच्चे बच्चे की जुबान पर धोनी का नाम सबका फेमस गली में जो मारा था ना, मजे आ गया। क्रिकेट के मैदानों से लेकर
दुनिया भर में धोनी का जलवा तूफान से भी तेज दिख रहा है। लेकिन धोनी की सबसे खास बात एक है जो उन्हें औरों से बिल्कुल जुदा बनाती है, वो है उनका कूलनेस। देखते ही देखते धोनी के खेल और विकेट कीपिंग से प्रभावित होकर भारतीय टीम की कप्तानी उन्हें थमाती है। टिकट कलेक्टर ट्रॉफी कलेक्टर की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी को ट्रॉफी कलेक्टर कहने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि भारत देश के लिए एक के बाद एक ट्रॉफी जीतकर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर एक एक करके सारी अनहोनी को धोनी में बदल उन्होंने साबित किया कि धोनी के लिए वर्ल्ड कप इम्पॉसिबल धोनी के हर कैप्टन कूल ने साल 2007 में पहले आईसीसी T20 विश्व कप में भारत को जीत दिलाई। साल 2007 पीछे वाला क्या सबको याद है कोई बुरा सीरीज नहीं कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में भारत को जीत दिलाई, वो भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। साल 2011 में आईसीसी वनडे विश्व कप में धोनी दुनिया में भारत का डंका बचा दिया। श्रीलंका साल 2013 में धोनी की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो साल 2013 में ही माही के नेतृत्व में भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हरा दिया गया। 2 सितंबर साल 2014 को धोनी ने भारत को 24 सालों के बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज में जीत दिलाई। ऐसे कई ट्रॉफीज और उपलब्धियां हैं देश को लगातार जीत दिलाकर। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी भी नई ऊंचाइयों का कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। धोनी की शानदार कप्तानी, बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग के दम पर पूरी दुनिया में उनका डंका ऐसे ही बजता रहा। इसी बीच साल 2018 में महेंद्र सिंह धोनी चौथे भारतीय क्रिकेटर और वनडे क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के दूसरे विकेट कीपर बन गए। बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दम पर भारत को एक के बाद एक कई जीते दिलवाए। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि धोनी ने 16 साल की आयु में ही डबल सेंचुरी ठोक दी थी? वो वक्त 1997 जब एक स्कूल टूर्नामेंट के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने दोहरा शतक जड़ दिया था। उन्हें जानने वाले ये बताते हैं कि मैच सिर्फ 40 ओवर का था जिसमें उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर 378 रनों की पार्टनरशिप की थी। धोनी उस वक्त ग्राउंड पर जब प्रैक्टिस किया करते थे तो छक्के मारकर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिया करते। जब धोनी खेलने लगते थे तो पूरा रांची का बच्चा बच्चा ये कहता था कि माही मार रहा है। धोनी की तपस्या के बारे में जितना बताया, क्योंकि हर वक्त धोनी ने चुनौती को ना सिर्फ स्वीकारा बल्कि चुनौतियों को चुनौती देकर मात देना धोनी की जिंदगी की फितरत बन गई। तभी तो ट्रेन के टॉयलेट में बैठ और सोकर सफर करने वाले माही, 625 रुपए की पहली नौकरी करने वाले धोनी और रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्ट करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने जिंदगी में ऐसी उड़ान भरी कि वो टिकट कलेक्टर से ट्रॉफी कलेक्टर बन गए। बहुत ही अच्छा लगा इस वीडियो देख के, धोनी की यादें और ज्यादा अच्छी लगी। मजा आ गया। एक जो पीछे जो वो साउंड आ रहा था ना, धोनी गजब का। अगर आप इस वीडियो को लीड आकर सुनोगे तो आपको आवाज साफ सुनाई देगी, धोनी। हालांकि उसका मजा है यार, एकदम यार कसम से बताऊं, धोनी सर को वाकई में जो उनका योगदान हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए, उन्होंने अपना योगदान दिया है उससे कभी कोई तुलना नहीं कर सकता। ये तो कन्फर्म, अभी भी महेंद्र सिंह धोनी को बहुत याद करते हैं इस ट्रॉफियों के चक्कर में भी, और काफी अच्छे कूलेस्ट पर्सन बंदा आज तक आए। और क्या, अगर हम महेंद्र सिंह धोनी को एज ए कैप्टन है, एज ए कूलेस्ट कैप्टन है, या एज ए विकेट कीपर है, वो भी सिर्फ फास्टेस्ट रनर है, विकेट कीपर तो धोनी के और उनकी स्टंप बिना देखे बॉल मारना, हर कोई मिस करेगा उन चीजों को, हर एक क्रिकेटर मिस करेगा उनको, सिंपल सी बात है। लेकिन उनका जो योगदान है, गजब का योगदान है इंडियन क्रिकेट टीम में, तो वी लव यू सर, आपका बहुत बड़ा योगदान, थैंक यू सो मच हमारे देश को इतना गर्व महसूस कराने के लिए। आई होप आपको हमारे आज के वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो सभी लोग जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन तो चलो आज की इस वीडियो में खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई रिएक्शन वीडियो में। तो आप सब लोग अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और खिलखिलाते रहो, ठीक है? तो कल फिर मिलते हैं आपसे नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।